हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिक गर्ल में। लेकर आ गई हूँ क्रिकेट की दुनिया की ताजा तरीन खबरें आप सभी के लिए। तो टीम इंडिया का विजयी आगाज न्यूजीलैंड को पहले T20 में 6 विकेट से हरा करके तोड़ डाले कई सारे रिकॉर्ड्स। दोस्तों हम आपको पूरे मैच के हाइलाइट्स बताएंगे, उससे पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बात ऐसी है कि न्यूजीलैंड भारत के बीच में 5 T20 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला आज ऑकलैंड के ईडन पार्क के मैदान पर खेला गया। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 204 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय शेरों ने एक ओवर पहले ही इस स्कोर को पा लिया। केएल राहुल ने 56 तो जबकि कोहली ने 45 रन की पारी खेली। अंत में श्रेयस अय्यर की 29 गेंदों में 58 रनों की तूफानी पारी खेली। बात करें रिकॉर्ड्स की तो T20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया ने चौथी बार 200+ यानी कि 200 से भी ज्यादा रनों का लक्ष्य हासिल किया। वह सबसे ज्यादा 4 बार ऐसा कर चुका है। भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार यह कारनामा किया। वहीं दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, बांग्लादेश और कतर एक एक बार 200+ स्कोर को साध चुके हैं। विराट कोहली ने बनाया छक्कों का खास रिकॉर्ड, बने ऐसा करने वाले पहले भारतीय कप्तान। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले जा रहे पहले T20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने छक्कों का एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और ऐसा करने वाले वह इकलौते भारतीय कप्तान बन गए। इस मैच में विराट कोहली 32 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 45 रन बना करके आउट हुए। अपनी पारी में एकमात्र छक्का लगाने के साथ ही कोहली ने कप्तान के रूप में ही T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्कों का अर्धशतक पूरा कर लिया। T20 इंटरनेशनल में कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के इयान मॉर्गन के नाम है, जिन्होंने सबसे ज्यादा 62 छक्के लगाए हैं। कोहली छक्कों का अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के मात्र दूसरे और भारत के पहले कप्तान हैं। हमारी ओर से कोहली को ढेर सारी बधाइयां। वैसे इस खबर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कोहली को किस तरीके से बधाई देना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और हाँ, क्रिकगर्ल की सारी ऐसी अपडेट आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन दिख रहा है ना ऊपर, एग्जैक्टली इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी खबर मिस ना करें। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।